आज बनाते हैं भाइयों के लिए स्पेशल राखी एंड स्पेशल गिफ्ट। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है दीपिका और आपका स्वागत है। तो चलिए सीधे वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले ले लिया मैंने एक एम्ब्रॉयडरी हूप एंड इसमें कैसे सेट करते हैं मैंने आई होप आपको सिखा दिया हो। एंड बस इसके ऊपर मैंने दो सर्कल ड्रॉ कर लिया है एंड इसको मैं जल्दी से पेंट कर लूंगी। जो भी मन करे वो पेंट से कर सकते हो। एंड उसके बाद हम इसको अच्छे से सूखने देंगे, इसको टाइम लगेगा थोड़ा सूखने में। उसके बाद हम इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करेंगे। आप यहाँ पे कुछ भी बना सकते हो। मैंने एक क्यूट सा राखी बनाने का सोचा है तो मैं जल्दी से इस पे एक स्माइली बना दूंगी। एंड आप इसमें अलग करना चाहो तो अलग कर सकते हो, मैंने दोनों को सेम रखा है। पीछे का सीन कुछ इस तरीके का है। मैंने फिर यहाँ पे भाई ट्रेस कर लिया है एंड इसको मैं एम्ब्रॉयडरी करने वाली हूँ। तो बेसिकली मैं यहाँ पे पूरा फिल करने वाली हूँ बी को। एंड देख सकते हो कभी कभी अब जो धागे उलझ जाते हैं तो आप उस तरीके से सुलझा सकते हो। तो बी तो कम्प्लीट हो गया है, अब जल्दी से बाकी के लेटर्स को कम्प्लीट करते हैं एंड सेम इसके ऊपर भी हम वही काम करेंगे। और उसके पहले हमें एक बॉर्डर क्रिएट करना है तो मैं कुछ इस तरीके का सॉइंग क्रिएट कर रही हूँ। तो जैसे आप सिलते हो किसी भी कपड़े के ऊपर तो ऐसा वाला डिजाइन पैटर्न बन जाता है, तो इसको हम इस पे भी करेंगे। एंड देख सकते हो मेरा ये बेस तैयार हो चुका है एंड ऑलमोस्ट ये कम्प्लीट हो गया था, यही हार्ड वाला पार्ट था। एंड अब हम राखी बनाएंगे एंड इसके लिए मैंने एक प्राइस टैग ले लिया है। एंड इसका कार्डबोर्ड थोड़ा स्ट्रांग होता है एंड पानी में भी जल्दी से खराब नहीं होता है, इसलिए मैंने यही वाला लिया है। एंड कपड़े के दो एक्स्ट्रा सर्कल्स कट कर लिए हैं एंड जो पहले हमने कट किया था उसको हम जल्दी से सॉ कर लेंगे। एंड इसके बीच में कार्डबोर्ड रख के हम इसको इस तरीके से कुछ प्लेस कर देंगे और एक सिलाई लगा देंगे ताकि ये खुले नहीं। एंड इसी के बराबर हमें एक ऊपर वाला पार्ट चाहिए तो मैंने वैसे ही सिलाई लगा के इससे मार्क कर लिया है। एंड आप चाहो तो प्रेस कर सकते हो तो उससे आराम से ये बन जाएगा। एंड जो धागा हमने हाथ में बनाना था उसमें मैंने कुछ मोती पिरोए एंड इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट टेप से इसको मैंने सिक्योर कर दिया। आप चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो क्योंकि ये बाद में हमने सिलाई लगानी ही है इस पे, तो ये खुलेगा नहीं, टेप से कोई मतलब नहीं है, ये बस अभी प्लेस करने के लिए था। एंड इसके ऊपर हम कुछ इस तरीके से पिको वाली सिलाई जो होती है वो लगा लेंगे, या आप कच्ची सिलाई भी लगा सकते हो। तो मैंने कुछ इस तरीके से चारों तरफ लगा लिया है एंड देख सकते हो ये बिल्कुल स्ट्रांग हो गया है, अब ये पानी में भी खराब नहीं होगा। तो चलिए एक नॉट बांधते हैं एंड इसमें कुछ मोती ऐड करते हैं। मोती हमें राखी के चारों साइड ऐड करना है कुछ इस तरीके से सिलाई लगा के। तो जब तक मैं इसको ऐड करती हूँ, आपको कुछ भी अच्छा लगा इस वीडियो में तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे कैसा लगा। एंड नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे ही क्लिक करिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिले। यस यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहां मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ तो वहां से भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड कमेंट करके तो जरूर ही बताइएगा कि आपको कौन सा अच्छा लगा। तो चलिए ये तो बन गया एंड मिलते हैं हमारे अगले प्रोजेक्ट में, वो भी बहुत ही मजेदार है, उसको देखे बिना जाना मत कहीं। तो चलिए बढ़ते हमारे अगले प्रोजेक्ट पे। तो ये मैं एक एम्ब्रॉयडरी हुप का डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। तो मैंने एक ड्रॉ कर लिया है अच्छे से इसको और मैंने इसको गोल्डन पेन से ड्रॉ किया है। आप पेंसिल चाहें तो कर सकते हैं बट उसका मार्क रह जाता है, तो आप कोई हल्का कलर ही यूज़ करके करें। एंड एक्स्ट्रा पार्ट मैंने कट कर लिया है। हुप को सेट करना मैंने आपको लास्ट DIY में सिखा दिया था। एंड इसके सारे कवर को हमें बेसिकली पिंक कलर से कलर कर लेना है। एंड अब हम इस पर जल्दी से कलरिंग करेंगे एंड कलरिंग के लिए मैंने पहले फेस को कलर किया है एंड फेस के जितने भी कलर है मैंने सबको कंप्लीट कर लिया। एंड देख सकते हो मेरा ब्रश टूट गया था, एक्चुअली ये टूटा हुआ ब्रश ही है एंड मैं इसको बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे ब्रशेस खरीदे बट इसके जैसा मुझे अभी तक कोई भी पसंद नहीं आया, तो मैं इसी के साथ कंटिन्यू करती हूँ कैसे भी जुगाड़ वगैरह लगा के। बट ये इससे बहुत अच्छे से काम होता है मेरा एंड ये मोस्ट फेवरेट ब्रश है मेरा। तो जल्दी से हम सारे एलिमेंट्स को कलर कर लेंगे। एंड ये बहुत सिंपल रखा है मैंने क्योंकि जिन्हें एम्ब्रॉयडरी का काम नहीं आता है उनके लिए तो ये काफ़ी मेस होने वाला था। और ऐसा भी नहीं होता कि मुझे सिर्फ बनाना होता है एंड आपको देखना होता है। मैं कई बार सोचती हूँ कि मैं जो बना रही हूँ वो मेरी वीडियो देख के अच्छे से सीख जाए एंड वो लोग भी बना सके जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं इसलिए बहुत इजी करके दिखाती हूँ। तो अगर आपको एम्ब्रॉयडरी नहीं आती है तो इट्स ओके, आप ऐसे भी कर सकते हो। मैंने इसमें मोस्टली पेंट किया है, मैंने थोड़ा बहुत एम्ब्रॉयडरी किया है जानबूझ के ताकि आपको आसान लगे ये। एंड ये एक्चुअली में बहुत आसान है एंड देखने में बहुत यूनिक लगता है। एंड जो पेंटिंग किया है वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है क्योंकि मैंने इसमें फेस नहीं बनाया है एंड मैं मोस्टली ऐसी चीज़ें ही बनाती हूँ ताकि वो आसान लगे एंड जल्दी से आप कंप्लीट कर लो उसको, आई मीन उसको बना लो क्रिएट
क्रिएट कर लो। इसके साइड में मैंने भैया ट्रेस कर लिया था पेन से, एंड इसके बाद मैं इस पर कलरिंग स्टार्ट करूँगी। तो सारे फॉन्ट्स मैंने जल्दी से कंप्लीट कर लिए थे, एंड पेंट के लिए मैंने वाइट कलर में हल्का सा येलो मिक्स किया है ताकि ये एक शेड जैसा लगे। एंड इसके बाद फिर मैंने इसको जल्दी से कंप्लीट किया है। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा हार्ट बनाया है, छोटा सा नहीं बहुत बड़ा सा हार्ट बनाया है। तो यहाँ पे मैं और भी कुछ कुछ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले एम्ब्रॉयडरी का काम कर लेते हैं, क्योंकि हमने एम्ब्रॉयडरी हुक में ही करा है तो थोड़ी बहुत एम्ब्रॉयडरी करनी पड़ेगी। बस एम्ब्रॉयडरी कुछ नहीं, मैंने यहाँ पे छोटी छोटी कच्ची सिलाई लगाई है। आप समझ सकते हो कच्ची सिलाई कैसी लगाई जाती है। एंड उसके बाद इसको मैंने आईब्रो के शेप में ही सिलाई लगाने शुरू कर दी, क्योंकि रेफरेंस तो हमारे पास पहले से ही ड्रॉइंग में मौजूद था। एंड इसके बाद मैंने एक नॉट लगा के एक बिंदी बना दी। एंड अब हम इसके ऊपर राखी बनाने वाले हैं, क्योंकि यस इस रक्षाबंधन स्पेशल वीडियो है तो मैं उसके लिए ही बना रही हूँ। तो जल्दी से ये यहाँ पे राखी क्रिएट कर लेंगे। एंड राखी बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस बीट्स ऐड किए हैं एंड हो गया राखी कंप्लीट। एंड कुछ नेट के फैब्रिक को लेके मैं इसको डेकोरेट करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं एक ऊपर में यहाँ पे नोट लगाने वाली हूँ, एंड यहाँ पे कुछ बेल जैसा बनाने वाली हूँ। मोतियों से ही आप कोई लेस ले सकते हो, मैंने भी छोटा सा एक लेस का टुकड़ा कट किया है एंड इसको इसके ऊपर प्लेस कर दिया है। इसी तरीके से हम बाकी की चीज़ों को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अब तो कमेंट करके बता ही देना कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। एंड नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन ऑल पे ही क्लिक करिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिले एंड आप मेरी सारी वीडियोस देख पाओ। एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, अगर आप चाहें तो वहाँ फॉलो कर सकते हैं। एंड ये कंप्लीट हो गया है, मैंने सेम इसी की तरह दूसरा वाला भी बना दिया है यहाँ पे। चलिए इसके कुछ लुक्स देख लेते हैं। एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो ऊपर वाला वीडियो क्लिक करिएगा, और 15 अगस्त से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो नीचे वाला वीडियो क्लिक करिएगा। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy.